अरे फिर से, आज फिर से, क्या मेरा सपना अभी सच नहीं होगा? पेड़ से गिरा हुआ एक पूरा फल क्या मैं कभी खा नहीं पाऊंगी? महाराज, महाराज। मंत्री, आज ये सब कुछ इंतजाम करो। एक अशिक्षित पक्षी प्रतिदिन इस तरह से मेरे बगीचे के पेड़ के फल को खराब करके बच जाएगी। हाँ, कैसे भी करके उसे पकड़ कर लाओ। मैं उस पक्षी को जीवित देखना चाहता हूँ। जो ऐसा कर पाएगा मैं उसे पुरस्कार दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, ये देखिए मेरा तीर धनुष, इससे ही मैं उसे पकड़ूंगा। हाँ, मूर्ख के तीर से पक्षियों को मारा जाता है, पकड़ा नहीं जाता। महाराज, महाराज, मेरे पास जाल है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पेड़ और पक्षी कहाँ है। महाराज, मैं अपने मंत्रों द्वारा उस पक्षी को अपने वश में करके आपके चरणों में ले आऊंगा। जी, मैं उसकी गर्दन पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। हैं, तुम सबकी बकवास सुन के मेरे कानों में दर्द होने लगा है। सिर्फ एक पक्षी को पकड़ने के लिए इतना तामझाम देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बाबा, क्या आप लोगों को फंदा बनाना नहीं आता? मंत्री, इन सबको भगाओ और अपनी बुद्धि खर्च करके एक फंदा बनाओ जल्दी, जिससे कि वो पक्षी खुद ब खुद ही पकड़ा जाए, समझे? ठीक है, ठीक है। अरे मंत्री मामा, आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा आराम से सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आपको तो ढोली बनाना चाहिए था। कब से बस हिलते डुलते ही जा रहे हैं आप तो। मंत्री बने रहने के लिए थोड़ा स्थिर रहना होता है ना। ज्यादा हिले तो मामा से कहकर मैं आपको ढोली बनवा दूंगा, समझे? एक छोटा सा लड़का राजा का भांजा है, ये सोच कर मुझे ज्ञान दे रहा है। षड्यंत्री चींटे, तुझे अभी मेरे कपड़ों में घुसना था क्या? क्या ऐसे पक्षी पकड़ा जाता है? भागने की बुद्धि है या धोबी घाट का पत्थर? कपड़े धोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अरे मंत्री मामू, खींचिए तो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, फंदे में आखिर फंसी गई। अरे वाह भांजे, क्या दिमाग है तुम्हारे पास, क्या दिमाग है, वाह वाह वाह। राज पंडित, आप एक विचार सभा का आयोजन कीजिए। देश विदेश से पंडितों को बुलवा लीजिए, ताकि वो इस पक्षी की अशिक्षा का कारण बता सके। आज्ञा महाराज। अजी मैं कहता हूँ जी, जब पक्षी पढ़ता ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा जी? छोटे से घोंसले में जीने वाले ये लोग शिक्षा कहाँ रखेंगे? हाँ, इतनी देर में इन सब लोगों में आपने सही बात कही है। छोटे से घर के घोंसले में शिक्षा जैसी जरूरी चीज तो रखी जा सकती नहीं, इसलिए सबसे पहले एक बढ़िया घर की जरूरत है, मतलब एक बढ़िया सा पिंजरा। महाराज मामा, एक पिंजरे का इंतजाम करवा दीजिए। वाह वाह वाह, जय हो महाराज की, जय हो। भांजे। जी मामा। इस पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनवाओ। जी वो तो बन जाएगा, पर इसमें खर्चा बहुत आएगा। चाहे खर्च कितना भी हो, पर सोने का पिंजरा ही चाहिए। अर्थ मंत्री। जी महाराज। राजकोष से जितना चाहिए उतना रुपया आप भांजे को दे दीजिएगा, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। पर महाराज, पक्षी को शिक्षा देना इतना आसान काम तो नहीं है। सही है, तो फिर मामा विद्वानों को जल्दी बुलाया जाए। हाँ सही कह रहे हो, तो जाओ भांजे, विद्वानों को संदेशा भिजवाओ, चाहे जितनी भी दक्षिणा लगनी हो लगे, जाओ जाओ। ये असली सोने की बनाओ? पगला गए हो, चांदी के पिंजरे पर सोने का पानी चढ़ा दो और सोने की कीमत का खर्चा बताओ। जी ठीक है, आप जैसा कहें। तब तक के लिए मैं उन विद्वानों को भी देखकर आ जाता हूँ। सुनो, काम में ढिलाई मत करना है। जी बिल्कुल भी नहीं। शाबाश, 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 सभी विद्वान पधार चुके हैं।
अरे वाह वाह वाह, ये तो काफी चमकदार दिख रही है। मंत्री, सोनार को पुरस्कार दिया जाए और प्रजा को बुलाओ। ये पिंजरा मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ। प्रजा को भी पता चलना चाहिए कि पक्षी के मामले में भी मैं कितना दयालु हूँ। अरे वाह, इस पक्षी की क्या किस्मत है। ऐसी किस्मत है, शिक्षा के लिए कितने इंतजाम किए जा रहे हैं। अरे शिक्षा अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ, पिंजरा तो मिला ना। मामा, इतना सुंदर ये पिंजरा तो बन गया है, लेकिन अब एक आदमी रखना होगा इसकी साफ सफाई और इसकी देखभाल के लिए। सही कहा मंत्री, आदमी रखो इस पर, थोड़ी भी धूल नहीं जमनी चाहिए। आ गया महाराज। और मामा, वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक पहरेदार को भी रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तुम अपने हिसाब से कुछ लोगों को रख लो और उन्हें महीने में कितना देना है ये मुझे बता देना। ठीक है मामा, मैं तो अपने भरोसे के लोगों को ही काम पे रखूंगा। पिताजी पिताजी, इस पिंजरे के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, पर उस पक्षी का क्या हुआ, उसके बारे में महाराज को पता है क्या। अरे चुप चुप, चुप कर, नहीं तो महाराज सुन लेंगे। भांजे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ उस बच्चे के मुंह से। जी, शिक्षा चल रही है, अच्छे से चल रही है। निंदा करने वालों को कुछ काम नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं वो। ठीक है, पर मैं खुद जाकर उसकी शिक्षा की प्रक्रिया देखना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा मामा। ए, इधर साफ कर, उधर एक छेद है सोनार, ठीक करो उसे। और चाबी कहाँ है, चाबी। ठीक है, चलो अब वो सारी किताबें सजा कर रख दो। खबरदार, महाराज आ रहे हैं, काम में किसी तरह की गड़बड़ी दिखनी नहीं चाहिए। राजाधिराज राजकुल चूड़ामणी, राजाओं में श्रेष्ठ राजकुलपति महाराज आनंद मोहन पधार रहे हैं। आइए महाराज मामा, आइए। पक्षी पढ़ो, विद्या विदं विद्यानं, नरो नरो नरं, कलो मुख्य पलम विद्या दिनु जयतु। मामा देखा आपने, कैसा इंतजाम है मेरा। वाह 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 वाह, शब्दों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ शब्द ही नहीं, अर्थ भी बहुत ज्यादा है। अच्छा है। मैं बहुत खुश हुआ, सच में खुशी हुई मुझे। ये लो, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। सुनो, शिक्षा चलती ही रहे, अब हम चलते हैं। महाराज, क्या आपने उस पक्षी को देखा है। अरे नहीं, याद ही नहीं रहा, पक्षी को तो मैंने देखा ही नहीं। अरे राजपंडित, पक्षी को तुम लोग कैसे सिखा रहे हो, मैं वो तरीका देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर आइए महाराज। वाह, अरे वाह 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 वाह, ना दाना ना ही पानी, सिर्फ पुस्तक के पन्ने। अच्छा, ये गाना गाता है क्या। नहीं महाराज। दाना नहीं मिलने पर चिल्लाता है। नहीं महाराज। ठीक है। अरे कान मलने वालों के सरदार, अब निंदकों के कान जरा अच्छे से मल कर जाओ। अरे ये क्या बदतमीजी है। अरे पहले लोहार को बुलाना पड़ेगा। लोहार। मजबूत बनाओ, इतना मजबूत कि मुंह लगाने की हिम्मत भी ना कर पाए ये पक्षी। ठीक है राजवेद, इसके पंख काट दो जिससे कि वो उड़ने की बात भी सोच ना पाए। हाँ। इस राज्य में पक्षियों को सिर्फ अकल ही नहीं, कृतज्ञता भी नहीं है। ची, 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 ची। पक्षी हिल नहीं रहा। ये क्या सुन रहा हूँ भांजे। ऐसा कुछ नहीं है मामा,
पक्षी की शिक्षा अब पूरी हो चुकी है मामा। क्या वो कूदता है? अरे राम राम राम, छी 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 छी। नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्या वो उड़ता है? अरे राम, छी। जी महाराज। क्या वो गाना गाता है? अरे राम 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 राम, छी 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 छी। जी नहीं महाराज। दाना नहीं मिलने पर चिल्लाता है? अरे राम राम, ची, 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 ची। जी नहीं महाराज। अच्छा ठीक है जरा उस पक्षी को लेकर तो आओ। कोतवाल जरा पक्षी को ले आओ तो। वाह 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 वाह, पेट में अब सिर्फ विद्या ही विद्या भरी है। वाह वाह वाह, आज सभी को पुरस्कार मिलेगा और पूरे राज्य में कहला दो कि आज महाभोज है। जाओ 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 अब।